इंश्योरेंस के बिजनेस में तीन तरह के एडवाइजर हैं जब लीड की बात आती है। पहली कैटेगरी है जिनके पास कोई लीड नहीं है, ये बेचारा जिंदगी भर से स्ट्रगल ही कर रहा है और इसके पास कुछ नहीं होता, क्या करें, कहां जाएं, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बुला ही नहीं रहा है, ये पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है इनके पास 2-4-10 महीने की लीड होती है और उसी से इनका काम चलता है, मतलब काम नहीं चलता, गाड़ी घसीट रही है, जैसे किसी गाड़ी का पहिया पंचर हो जाता है तो गाड़ी घसीटती है, ये दूसरी कैटेगरी वाले। और तीसरी कैटेगरी होती है जिनके पास इतनी लीड है कि इनको मीटिंग कैंसिल करनी पड़ती है, इनके पास लीड का भंडार है, लीड ही लीड है। अब सवाल ये है कि पहली और दूसरी और तीसरी, देखिए पहली और दूसरी कैटेगरी जो एडवाइजर एजेंट है वो पैसा नहीं कमा रहे, वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और कई के 10-10 साल से हो गए संघर्ष करते आ रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे। तो क्या आप जिंदगी भर पहली दूसरी में रहना चाहते हैं या तीसरी कैटेगरी में रहना चाहते हैं? अब एक सवाल और है, समस्या है, कहते हैं हाँ रवि जी तीसरी कैटेगरी में आना चाहते हैं। समस्या ये है कि आजकल किसी को फोन करो क्लाइंट को तो नंबर सेव कर लेते तो फोन नहीं उठाते, अच्छा फोन उठा लेंगे तो मिलने का टाइम नहीं देते और मिलने का टाइम दे भी देंगे तो उसके बाद कैंसिल कर देते और मिलते नहीं है, घर बुला के भी नहीं मिलते, ये समस्या है यस नो? इसीलिए आपको इस एपिसोड में आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं कैसे शानदार तरीके से आप पोस्चर के साथ में उस कैटेगरी में पहुंचेंगे जहां पे आपको मीटिंग कैंसिल करनी पड़े। फिर बोल रहा हूं आप ऐसे एडवाइजर कैसे बनेंगे जहां पे आपको मीटिंग कैंसिल करनी पड़े, क्लाइंट इतने सारे होने चाहिए, इस वीडियो में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। इसलिए बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल और एक्शन ओरिएंटेड वीडियो है, जो इसको देख के इस्तेमाल कर लेगा बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो दोस्तों क्या क्या बताऊंगा इसमें, पहली बात सिखाऊंगा कि तीन तरीके के लीड जनरेट करने वाले एडवाइजर्स की कैटेगरी कौन कौन सी, तीन तरीके से लीड कैसे बनती है। दूसरी बात, उन तीनों में सबसे बेहतरीन तरीका, पावरफुल तरीका कौन सा है जो आपका लीड का भंडार बन जाएगा। और तीसरा, फिर कैसे उसका इस्तेमाल करना है, उसको एक्शन में क्या लाना है, क्या करना है ताकि आप इधर देखें इधर काम पे लग जाए। सिर्फ देखे नहीं, देखने के तुरंत बाद आप काम पे लग जाएंगे, तो इसीलिए इसको आपको देखना है और स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। दोस्तों अगर आप पहली बार हैं, थैंक यू वेरी मच, मेरा नाम है रवि जैन, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फोर्चे सिस्टम। इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख MTRTK करने, वो लोग जो अपने पैरों पर खड़े होंगे, जिनको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, चाहे आज किसी भी हालत में हो, गांव में, शहर में, लेडी, होम मेकर, MBA टाइप, कॉट पीपल, रिटायर, इन सब की लाइफ को बदलना है और आप भी आएंगे। तो दोस्तों जुड़ जाइए और आगे चलते हैं कैसे इस वीडियो में आप लीड जनरेट करना शुरू कर देंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और कमेंट्स करेंगे कि क्या अच्छा लगा और क्या लगा। अब बात करते हैं पहली कैटेगरी। पहली कैटेगरी कौन सी होती है, ये लोग हमेशा इंतजार करते हैं, ये इस कैटेगरी में रहते हैं, शायद कुछ हो जाए, कहीं से कुछ हो जाए, भगवान की इच्छा होगी तो आज कोई बुला लेगा, भगवान की इच्छा होगी तो शायद कोई क्लाइंट आज किसी का नंबर दे दे, अब बारिश भी हो रहा है, अगर कुछ होना होगा तो हो ही जाएगा, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, आप समझ रहे हो? तो ये इंतजार करते हैं, इसीलिए जिंदगी भर स्ट्रगल करते चले जा रहे हैं। पैसों की जरूरत इनको बहुत है लेकिन पैसे कमाते नहीं है क्योंकि ये इंतजार करते हैं। इनका जो माइंडसेट होता है मैं बताऊंगा, तो ये जो पहली कैटेगरी है इनका जो माइंडसेट है वो है महाचंपूलाल। हेलो, चंपूलाल नहीं, ये महाचंपूलाल वाली के, ये लोग महाचंपूलाल नहीं है, इनका माइंड जो है, सोचने का तरीका महाचंपूलाल वाला है। ओके, तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपका दिमाग महाचंपूलाल वाला, लेकिन समाधान दूंगा। दूसरी कैटेगरी क्या है, ये दूसरों के भरोसे रहते हैं, मतलब एजेंसी ली है, बिजनेस लिया है, पैसा खुद कमाना है, खुद अपना बॉस बनना है, खुद जिंदगी को एंजॉय करना है, खुद नौकरी छोड़नी है, सब कुछ करना है, लेकिन भरोसे हैं किसी और के, शायद मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर कोई लीड दिला दे, शायद मेरा CLI दे दे, या मेरा एजेंसी मैनेजर दे दे, या जिसने मुझे बीमा कंपनी में ज्वाइन कराया है वो मुझे कुछ दिला दे, या मेरी इंश्योरेंस कंपनी, या अगर नौकरी करते हैं बैंक में, बैंक का चल में है तो बैंक में कस्टमर आएगा, मतलब क्या है, ये भी दूसरों के भरोसे इंतजार करते हैं। खुद कमाना है, खुद पैसे कमाने हैं, लेकिन शायद बगल वाला अपने बच्चों की जिम्मेदारी पड़ोसी को दे देते हैं, बच्चे मेरे हैं पाल पोषण कौन करेगा, पड़ोसी करेगा, सपने खुद के हैं पूरे कौन करेगा,
बगल वाला करेगा। तो दोस्तों ये कैटेगरी वाले भी लोग जिंदगी भर इंतजार ही करते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है, ये सिर्फ एक दिमाग का फितूर है। इनका माइंडसेट कौन सा है? इनका माइंडसेट है चंपूलाल वाला। अगर इस तरह कैटेगरी में है तो भैया ये चंपूलाल की तरह सोचते हैं। आप चंपूलाल नहीं हो, लेकिन आपका माइंड जो है ये चंपूलाल है, क्योंकि इसी ने आपको चंपूलाल तरीके से सोचना शुरू कराया। ये होगी दूसरी। अब तीसरी कैटेगरी कौन सी है? ये वो लोग हैं जो किसी के इंतजार नहीं करते, किसी के तेल नहीं लगाते, इन्होंने अपनी सारी जिंदगी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है। ये क्या करते हैं? किसी को न पूछते न किसी के तेल लगाते, ये सुबह उठते हैं अपना काम करते हैं और उठते ही ये फोकस होके अपने काम पे लग जाते हैं। यार एक्शन टेकर, ये किसी की बकवास नहीं सुनते, किसी का तेल नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ ये अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं और एक्शन लेते हैं और एक्शन लेते हैं, एक्शन लेते हैं, लेते 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 ये चैंपियन बन चुके हैं। क्योंकि बिना काम करे, बिना फेल हुए कोई भी इंसान चैंपियन बन ही नहीं सकता, चंपूलाल से ही आदमी चैंपियन बनता है। तो ये तीसरी कैटेगरी है चैंपियन, और इन्हीं के पास में, क्योंकि ये काम करते हैं, ये फोकस्ड है, ये फेल होते हैं, ये सीखते हैं और इनके पास इतनी लीड होती है, इसीलिए 99% एजेंट 50,000 से कम कमाते हैं, 1-3% एजेंट 1,00,000 से ऊपर कमाते हैं। ये 1-3% वाले ये चैंपियन है, क्योंकि ये लोग एक्शन लेते हैं, ये किसी के तेल नहीं लगाते, किसी के इंतजार नहीं करते, किसी पूछते नहीं है मेरा क्या होगा, मैनेजर कुछ करेगा, कंपनी कुछ करेगी, मेरा डीओ कुछ करेगा, ये सबको करते भैया सबके सब साइड हो जाओ, मेरा गोल है, मेरा बिजनेस है, मैं करूंगा। ओके, ये किसी का इंतजार नहीं, इसलिए क्या है ये दे आर चैंपियन। आज मैं दूसरे मोड में हूं, बता रहा हूं, जो ये वीडियो को सुन लेगा समझ लेगा उसकी लाइफ हो जाएगी पार। तीन कैटेगरी, महाचंपूलाल, चंपूलाल और चैंपियन, मतलब सारा खेल एमसी, महाचंपूलाल सी और चैंपियन। पहला सवाल, आप अभी किस कैटेगरी में हो? ईमानदारी से स्वीकार करो। अब उसके बाद आना कहां चाहते हो? क्या आप अगर दो कैटेगरी में हो, यहां पैसा नहीं है, क्या आप चैंपियन कैटेगरी में आना चाहते हो? अगर जवाब है हां तो वीडियो आगे देखो, और नहीं है ना तो आप जाके कुछ और करो। ओके, आइए बात करते हैं कैसे आप चैंपियन बनेंगे। मतलब क्या है इन तीनों कैटेगरी में, क्यों आपको चैंपियन कैटेगरी में आना चाहिए, और फिर बता रहा हूं कि चैंपियन कैसे बनेंगे, कैसे इतनी लीड जनरेट करेंगे कि आपको मीटिंग कैंसिल करनी पड़े। क्योंकि अगर 1,00,000+ कमाना चाहते हो, ये हरी हरी पत्तियां ओरिजिनल नोट है, ओके, तो आपको वो करना पड़ेगा जो मैं सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहला समझिए, जो ये लोग इंतजार करते हैं कहीं से कुछ हो जाए, जो एमसी होते हैं महाचंपूलाल, इंतजार करने से आपको पता है, अगर आप उस कैटेगरी में है तो देखिए मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, उसको आप पर्सनली अपने ऊपर मत लीजिए। मैं पॉइंट कह रहा हूं, देखिए मैं हूं ट्रेनर, मैं हूं कोच, मेरा काम आपको खुश करना नहीं है, मेरा काम आपको सिखाना है, आपको चैलेंज करना है ताकि आप जीवन में आगे बढ़े और पैसा कमाएं। मैं हूं ट्रेनर, मैं आपका इंटरटेनर नहीं हूं। ओके, इसलिए जो मैं समझा रहा हूं सुन लो, अगर आप पहली कैटेगरी में इंतजार करते हैं और आपको मालूम है कि इतने साल इंतजार करते निकल गए कुछ हुआ नहीं, आपको पता है इस बात को, फिर क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्या हो जाएगा? किस्मत खराब है? अरे किस्मत खराब होती तो साला हम भी कोरोना में मर गए होते। अगर जिंदा है अभी मतलब किस्मत बरोबर है, किस्मत बिल्कुल बरोबर है। मतलब यह है कि इंतजार करने से अगर कुछ होता होता तो अब तक हो चुका होता, इसलिए आपको पहली कैटेगरी में रहना नहीं है। अब दूसरी बात आती है जो सी है, चंपूलाल है, आपको मालूम है कि आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा, यह कड़वी सच्चाई है जिंदगी की, कोई कुछ नहीं करेगा। अगर कोई कुछ करेगा उसमें उसका स्वार्थ होगा, तो फिर भैया काहे को किसी पूछ पड़े हो? किसने आपके लिए आज तक क्या कर दिया? कब तक लोगों के तेल लगाओगे? कब तक लोगों से अप्रूवल लोगे? मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊं, क्या मैं, ये कब तक करोगे? बिना पंगा लिए जिंदगी से, खुद किए बिना कुछ होगा नहीं, इसीलिए आपको दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अब आती तीसरी कैटेगरी जो है सीएच, चैंपियन। क्यों आपको चैंपियन बनने का फोकस करना चाहिए, उसका देखिए समझिए रीजन क्या है, समझिए साइंस क्या है। अब जब आप डिसाइड कर लेते हो कि जो हो गया सो हो गया, हटा सावन की घटा, ए
जो हो गया सो हो गया। अब मैं पूरी जिंदगी का पंगा अपने ऊपर ले लूंगा, अब नहीं, अब मैं बाज बनूंगा, ईगल बनूंगा, अब मैं नहीं रहूंगा इस जगह जहां पे डर है, फियर है, मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, मैं खुद पंगा लूंगा, मैं बाज बनूंगा, मैं भीगूंगा बारिश में। जब पूरे पक्षी बारिश में घोंसला ढूंढते हैं तब बाज आसमान में उड़ता है, इसीलिए वो बाज है, इसीलिए ईगल है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करूंगा मुझे करना क्या है, अब मैं काम करूंगा, अब मैं बहाने नहीं बनूंगा, अब मैं चैंपियन बनूंगा, बनूंगी, कोई चक्कर नहीं है मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। चैंपियन बनने के बाद में आदमी स्मार्ट बनता है, पहले करना पड़ता है। जैसे ही आप डिसीजन लेते हैं वैसे ही आपके अंदर की जो एनर्जी है, आपका जो अंदर का इंसान है वो जाग जाता है और आपका चलने का तरीका, बात करने का तरीका एकदम बदल जाता है। आपकी आंखों में बाजों वाली चमक होती है। साला कोई आदमी आपसे फालतू बात नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं आपको। आपका हाथ मिलाने का तरीका बदल जाएगा, आपका रूबरू सब बदल जाएगा। और मजे की बात यह कि पैसे अभी आएंगे नहीं, लेकिन उसके जैसे ही आप डिसाइड करोगे आपका पूरा एनर्जी सब बदल जाएगा। और जैसे ही आपके अंदर की एनर्जी बदली, सेल्स इज ऑल अबाउट एनर्जी, सेल्स इज ऑल अबाउट इमोशंस, सेल्स इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद अदर पीपल, बस यू आर डन। जैसे ही आपने डिसाइड किया अब तक जो हुआ सो हुआ, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, देखना आपके अंदर क्या एनर्जी आती है, आपकी जो अंदर की आत्मा है ना वो जाग जाएगी, अभी सो रही है। इसीलिए आपको चैंपियन कैटेगरी में आना है ताकि किसी के इंतजार ना करना पड़े। और जिसी के तेल लगाते थे आज तक, अगर 10 क्लाइंट थे 10 के 10 फोन नहीं उठा रहे, उन सारे क्लाइंट को फायर कर दो, उनको साइड कर दो, उनका नाम लिखो और कांटा मारो और उनको डाल दो जाके डस्टबिन में, फेंक दो उनको जाके, और नए बनाओ क्लाइंट जो अब सिखाने वाला हूं इस कैटेगरी में। आर यू रेडी? यस। अब बात करते हैं आप कैसे बनेंगे चैंपियन, कैसे डिसीजन करेंगे तीसरी कैटेगरी में। उसके पहले इंपॉर्टेंट बात, अगर आप रियली में चैंपियन बनना चाहते हैं, आप रियली में चाहते हैं आप इस बिजनेस में 1,00,000 रुपए कमाने कम से कमाए या 3,00,000, और आपको पता है कि आपका जन्म जीतने के लिए हुआ है, चैंपियन बनने के लिए हुआ है, तो फिर आपको चैंपियन जहां है वहां जाना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे चैंपियन के तरीके सोचते हैं, कैसे चैंपियन के तरीके से बात करते हैं, फोन करते हैं, मीटिंग करते हैं, कैसे उनके से काम करते हैं और कैसे लगातार काम करते हैं जब रिजल्ट नहीं आता है। वो कहां मिलेंगे आपको? कहीं नहीं मिलेंगे। मेरा जो फोन टू फॉर्चून ट्रेनिंग वहां मिलेंगे, फोन टू फॉर्चून सिस्टम के अंदर मिलेंगे। किसने बनाया है? मैंने बनाया है, अपने जिंदगी का एक्सपीरियंस दिया है। 10,00,000 रुपए अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के बाद में, 16 साल जिंदगी में चंपूलाल रहने के बाद, मैं बता रहा हूं मैं खुद चंपूलाल था जिंदगी में, वो सब एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूं यहां पे। जब आएंगे तो पता लगेगा कि कैसे माइंडसेट डेवलप करते हैं, कैसे सेल्स करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, और सबसे बड़ी बात कैसे लॉन्ग टर्म सोचते हैं इस बिजनेस में पैसा कमाने क्या तरीका है। 9,997 रुपए इसकी कीमत है अभी, 1,997, 1,997 रुपए आपको वन टाइम इन्वेस्ट करना है, खर्च नहीं करना, इन्वेस्ट करना है। इफ यू वांट टू बिकम चैंपियन ऑन सिस्टम, नीचे में क्लिक कीजिए। क्या मिलेगा आपको? ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन वीडियोस, मंथली ट्रेनिंग, कोचिंग, टूल्स, एंड अगले 6 महीने में MDRT करना चाहते हैं तो अभी इज द बेस्ट टाइम। 2,000 रुपए की इन्वेस्ट, 21 डे मनी बैक गारंटी। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप मेरा वीडियो सुना आपने, आपको अच्छा लगा, जोश में आ गए और आपने पैसा लगा दिया, तो भी घबराओ नहीं, आपका 21 दिन का टाइम है, 21 दिन के अंदर अपने पैसे लेके चले जाना अगर आपको अच्छा ना लगे तो। ठीक है, क्लिक राइट नाउ एंड ज्वाइन राइट नाउ, यू आर ज्वाइनिंग मी। ओके, अब बात करते हैं कैसे आप बनेंगे चैंपियन ऑन लीड जनरेशन, क्या करना पड़ेगा, व्हाट टू डू। पहले काम, फर्स्ट थिंग, लिसन वेरी केयरफुल, फर्स्ट थिंग, 1 घंटा अपने माइंड और अपने हेल्थ, बस ये पहला काम करना है। समझ रहे भैया? 1 घंटा, ए 1 घंटा माइंड और हेल्थ में काम करना है। क्यों रवि जी, बिजनेस में लीड बनाने में ये माइंड और हेल्थ वाला क्या काम आ गया?
इसीलिए पैसा नहीं कमाते क्योंकि आपके शरीर में जान ही नहीं है, खत्म सिंह हो, लल्लू लाल हो, ऐसे चलते झूल झूल, आप खत्म सिंह हो चुके हैं इंसान में, शरीर में जान ही नहीं है। एनर्जी एनर्जी एनर्जी, माइंड और हेल्थ में काम करो पहले एक घंटा। माइंड में क्या काम करना है, गोल लिखो, अफर्मेशन पढ़ो, मैं सिखाता हूं, और हेल्थ में एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, वॉक, वॉट एवर। जैसे गांव के लोग थे बड़े पहलवान, क्यों काम करते थे, अभी शहर का आदमी कुछ पिज्जा बर्गर खा के सब जिंदगी बर्बाद कर चुका है। ओके, पहला काम वर्क ऑन योर माइंड एंड हेल्थ। नंबर दो, ये हर कोई नहीं करेगा, दूसरा काम 90 मिनट सिर्फ और सिर्फ फोन कॉल चलेगा। किसको? फालतू बात नहीं, बिजनेस बिजनेस, फोन कॉल, मीटिंग 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 मीटिंग, बस। इसके अलावा कोई चर्चा नहीं, ये 90 मिनट मुझे सिर्फ फोन कॉल करना है। खिच 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 हेलो, खिच 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 हेलो, नॉट इंटरेस्टेड, खिच खिच हेलो, बात बात करना, खिच 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 खिच, कोई कुछ भी कहता रहे, आपको मशीन की तरह 1.5 घंटा सिर्फ फोन कॉल करना है। ये आसान नहीं है, अगर चैंपियन बनना है तो करना पड़ेगा। मुझे पता है हर कोई नहीं करेगा, आई नो दैट, लेकिन जिसको आग होगी वही करेगा। आसान हो? हाँ। तो सबको अमीर बनना है, सबको पैसा कमाना है, अपना बॉस बनना है, लेकिन सर मैं ये नहीं कर सकता। चंपूलाल, पैसे की बहुत जरूरत है ना मुझे, ये नहीं कर सकता। चंपूलाल, समझे आप, ये आपका चंपूलाल माइंडसेट है जो आपको छोटा रखा है जिंदगी में। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप नहीं जगे तो भगवान ही भरोसा कर, फिर भगवान ही बचा सकते आपको। ठीक है, दूसरा काम 90 मिनट सिर्फ फोन कॉल करने हैं। किसको करने? किसी को फोन कॉल करो। तीसरा काम, एक दिन में कम से कम 3 नए लोगों से, अनजान लोगों से बातचीत करनी है। बिजनेस की बात नहीं करनी है, सिर्फ 3 अनजान लोगों से बात करनी है। कहीं भी जाते हैं, बस में, मेट्रो में, खाना लेने, सब्जी लेने, कहीं भी जाते हैं, बस बात करो, अगल बगल वाले देखो, आसपास कौन आपके आसपास खड़ा है, बात करो, सिर्फ बात करो, मुस्कुराओ, बात करो। क्या करते हैं, बस मैं फाइनेंशियल कोच हूं, मैं मनी समथिंग, और हो सके तो बिजनेस एक्सचेंज कर लो, बिजनेस कॉल भी। इसके अलावा कोई बात नहीं करनी, नो बिजनेस टॉक, ओनली टॉक 3 स्ट्रेंजर इन अ डे। ये मुश्किल काम है, आसान नहीं है, क्यों? आपको शर्म आएगी, आपने कभी किया नहीं, सब सीख जाओगे, करो तो सही। ठीक है, 3 नए लोगों से बात करनी है। चौथा, 1 नए बंदे का या बंदी का, जेंट्स या लेडी का, अपने जानकार से रेफरेंस लेना है। मतलब रात में, रात होने से पहले, सूरज ढलने से पहले, ये 1 नए बंदे का रेफरेंस लेके मानूंगा। किससे? अपने जानकार से, चाहे कुछ हो जाए। ओके, बस ये 4 काम करने हैं। अब लास्टली, इसको अगले 21 डेज तक करके देखो, जस्ट डू इट फॉर 21 डेज। अगर आपकी लीड की प्रॉब्लम हमेशा के लिए भाग ना जाए तो आप मुझसे बोलना, बोलना मेरे को। आप, मेरी टीम का नंबर है 9911074455, ये मेरी टीम का नंबर है, लिख लो इसको, आप बताना। और अगर चाहते हो इसको कैसे करके इसी साल MDRT करना, बड़ा बनना है, तो मेरा 4x4 सिस्टम 1997 में अभी मौका दे रहा हूं। नीचे लिंक क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, वहां पे नंबर भी आ रहा है, आप गूगल पे फोन पे कर सकते हैं, 21 दिन की मेरी पे गारंटी है। ठीक है, तो जो मैंने बताया है आपको उसका इस्तेमाल कीजिए। ये वीडियो शानदार है, बेहतरीन है, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए वो आपको नहीं बोला, आपके माइंडसेट को बोला है। और जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है उसका पर्पस होता है मरीज को ठीक करना, मेरा पर्पस था आपको ट्रैक पे लाना और सफल बनाना। ठीक है, मैं ट्रेनर हूं, मैं आपका कोई इंटरटेनर नहीं हूं, मेरा काम आपको बटर पॉलिश करना नहीं है। ठीक है, यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच, इफ यू डोंट लाइक इट, इट्स योर लाइफ। ओके, बट मेक श्योर जो मैंने बोला है, सुनो, 5 लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और गिव योर कमेंट्स कि आप किस कैटेगरी में हैं, किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, एंड ज्वाइन माय 4x4 ट्रेनिंग। आपने पहले भी ज्वाइन किया था, इस्तेमाल नहीं किया, दोबारा आ जाओ, जुड़ चुके हो, सिस्टम में नहीं आ रहे हो, कम बैक। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।